और कब यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे उससे भी बातें है तो पर चीजों नजर आएगी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो चीज हमने यहाँ पर बताई थी बट बत उसमें ही मैंने कुछ और चीजें अपडेट करी है और यहाँ पर हमने हम बात करने वाले हैं विजय केडिया सर की यहाँ पर नेटवर्थ डॉली खन्ना ओके okay, यहाँ पर ये है ये है आशीष आशी कचोलिया और यहाँ पर है राकेश झुंझुनवाला सर यहाँ पर चार लोग की वेल्थ है ओके okay? उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा ओके okay? और आ, बता तो पाएंगे बट इन द सेंस यहाँ पर किसी ने बताया नहीं होगा या बताने की कोशिश नहीं की होगी बट आप यहाँ पर चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से देखिए सब इन्वेस्टर है बट कुछ ना कुछ डिफरेंस इन सभी के अंदर अंदर है वो सब चीज बातें हम यहाँ करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और आप यहाँ पर चीजों को समझिए समझे और यहाँ पर पैसा बनाते हुए दिखाई दे और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बाकी अगर किसी को लाइव सेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाई थी किसी के कमेंट नहीं आए थे बट अगर स्टिल इफ यू वांट मी टू मेक लाइव सेशन वीडियोस तो जरूर आप हमें कमेंट करिए तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं एक एक करके हम यहां पर चीजें समझेंगे देखिए इस चीज को मैंने आपको यहाँ पर समझाया ब्रीफली समझाया है ओके इससे यहाँ पर समझिएगा बट मैं आपको बताने की कोशिश इसमें क्या कर रहा देखिए विजय केडिया सर की यहां पर लगभग सात साल की परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रखी है 2016 से अगर साल की लगा लेते हैं कि छह साल से किस तरीके से यहाँ पर इनकी वेल्थ क्रिएट हुई यहाँ पर क्रिएट होकर डिस्ट्रॉय हुई डिस्ट्रॉय इन द सेंस जिस जहाँ पर वो जहां पर उन्होंने एंट्री ली दो में वही उसी लेवल पे चीजें आ गई फिर उसके बाद भागी और भागने के बाद यहाँ पर गिरती हुई नजर आई फिर भी यहाँ पर भाग रही है और किस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी है इन्वेस्टर्स के लिए चीजें काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म में ओके लॉन्ग टर्म में जो जितना खेलेगा उसे इतना पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा आपकी बेशक से वेल्थ यहाँ पर कम हो सकती है ओके इनकी भी कम हुई है इसके अलावा डॉली खन्ना की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा की इनकी तो वेल्थ के साथ क्या होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर आप देखिए वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से वेल्थ यहाँ पर कम होती हुई नजर आती है ओके हर एक की कम हुई है ऐसा नहीं है कि आपकी मेरी या फिर और और कुछ लोगों की हुई है बट आप यहाँ पर चीजें समझेंगे कि किस तरीके से ये राकेश झुनझुनवाला सर आशीष कचौरिया सर डॉली खन्ना विजय केड़िया इन सब में जो ये सर है हमारे इन सब में किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंस है किस तरीके से यहाँ पर चीजें समझ में आती है तो आइए वीडियो की तरफ हम जानेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे और अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए विजय केड़िया सर आपको पता है पैंतीस हजार रुपए से यहाँ पर तीस हजार रुपए से यहाँ पर इन्होंने शुरुआत करी थी ओके बात अलग ही होती है कि यहाँ पर तीस हजार से शुरुआत करी थी हर एक की हिस्ट्री अलग होती है और कोई भी ब्रीफली यहाँ पर किसी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर चीजें यहाँ पर एड ऑन करी किस तरीके से इन्होंने यह पर अगर हम देखें तो लगभग 500 करोड़ रुपए की वेल्थ यहाँ पर क्रिएट करी विद इन दैट दैटी फाइव था इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल आता है तो ये आपको पता ही है तो कहने का मतलब क्या है कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप रहते हैं आप चीजों को खरीदते हैं सोच के समझ के यहाँ पर चीजों को खरीदते हैं तो याद रखिए वेल्थ यहाँ पर क्रिएट

इन्वेस्टर है इन्वेस्टर क्या करते हैं लेते हैं लेके भूल जाते हैं फिर भी यहाँ पर चीजें ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ओके और यहाँ पर जब एक वेल्थ 30,000 रुपए से जब यहाँ पर 500 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो जाती है तो वो छोटे मोटे या फिर कह जाए कि उन्होंने इतना ऑलरेडी उनके पास दो करोड़ का पोर्टफोलियो फिर भी है यहाँ पर अगर बात करें तो उन्हें इस चीज का डर नहीं लगता ओके क्योंकि जो नीचे से बड़े बनते हैं तो वो जानते हैं चीजों को बाकी यहाँ पर स्टॉक मार्केट की एक लंबी जर्नी है तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है इसके अलावा हम डॉली खन्ना की बात करें यहां पर विजय केडिया सर ने तो यहां पर फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है डॉली खन्ना की अगर मैं बात करूं तो दो में एक करोड़ रुपए की इनकी वेल्थ थी इसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजय केडिया सर से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया इन्होंने दो तीन साल के अंदर अंदर और जो परफॉर्मेंस इनकी

अच्छे स्टॉक्स को यहां पर नहीं रख रखा होगा क्या था आई मार्केट हो सकता था मैं, मार्केट जिस तरीके 60 अगर 60 भी तो नहीं यहाँ पर बीस करोड़ पे आ गए बट एक अच्छी बात है कि इनके पास अच्छे शेयर थे इन्होंने होल्ड किया इन्वेस्टर है तो अठारह करोड़ की वेल्थ दोबारा यहाँ पर पांच सौ चौहत्तर करोड़ की वेल्थ होती हुई नजर आई जो की काबिल तारीफ और अच्छी यहाँ पर दिखाई देती है यहाँ पर सब चीज तो यहाँ पर चीजें कहने का मतलब क्या है अगर आप यहाँ पर कोई चीज खरीदते हैं आपका अगर उनके ऊपर अच्छा विश्वास है तो चीजें ऊपर जाएंगी आएंगी फिर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ओके जैसे कि यहाँ पर आपने देखा गिरी चीजें फिर उसके बाद भक्ति हुई दिखाई दी फिर यहाँ पर गिरी चीजें फिर उसके बाद यहाँ पर भक्ति हुई दिखाई दी तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था इनके बीच में डिफरेंस सिंपल ये था स्टॉक सिलेक्शन स्टॉक सिलेक्शन अगर जितना बेहतरीन होगा याद रखिए अः गिरावट भी आ, आ, अच्छी होती हुई दिखाई देगी और रिटर्न भी उसी तरीके से मिलते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर हो सकता है देखिए जितने भी ये बड़े लोग हैं ना आप इनका पोर्टफोलियो चेक करिएगा इनके पोर्टफोलियो में आ, हो सकता है कि पर थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी टीसीएस की Infosys की या निफ्टी 50 के जो 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 हमारे दिग्गज स्टॉक्स 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 ओके ओके कि यूँ तो बट तो तो वो स्टॉक इनके पास नहीं रहते इनके पास रहते हैं बिल्कुल माइक्रो कैप ओके स्मॉल कैप क्यों क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मार्केट में आया तो रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेंगे तभी जाके इस तरीके की वेल्थ क्रिएट यहाँ पर होती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर जब वेल्थ क्रिएट होती है तो जैसे यहाँ पर एक सौ तो करोड़ की वेल्थ यहाँ पर आठ करोड़ की हो गई साढ़े आठ सौ करोड़ की वेल्थ यहाँ पर बीस करोड़ की रह गई और बीस करोड़ की वेल्थ यहाँ पर साढ़े पाँच सौ करोड़ की दोबारा हो गई तो यहाँ पर आप चीजें समझ सकते हैं कि, कि किस तरीके से इनका पोर्टफोलियो रिएक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सिंपली स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर तो आपको स्टॉक सिलेक्शन पे हमेशा ध्यान देना है ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है और यहाँ पर और एक

तो इन्होंने पिछले 20-30 साल 40 साल से देखा हुआ है आ, इनका एक्सपीरियंस काफी एक्स्ट्रा है तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इनकी वेल्थ क्या इन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किया खरीदा प्रॉफिट बुक किया 300 सौ परसेंट चार सौ परसेंट पांच सौ परसेंट इस तरीके के प्रॉफिट बुक किया और आज देखेंगे तो वो 400 करोड़ रुपए की वेल्थ यहां पर इनकी 2000 करोड़ के आसपास की वेल्थ बनती हुई दिखाई दी अगेन यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई है सबके पोर्टफोलियो अपने टॉप से यहाँ पर नेगेटिव आया चाहे आपके हो मेरे हो या किसी और के भी हो तो यहाँ पर देखेंगे सेवनटीन इनकी में गिरावट है इसके बाद इनकी में गिरावट नहीं है क्योंकि इस बार यहां से जो इन्होंने खरीदा है यहाँ पर जब खरीदा खरीद के बेच दिया मैं इनका पोर्टफोलियो को देख रहा था काफी सारे स्टॉक्स तो खरीदे खरीद के यहाँ

क्या है ट्रेडर भी और जब मैं यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि फंडामेंटल और टेक्निकल जब दोनों मिल जाते हैं ना तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब आप यहाँ पर विजय सर को भी बीट कर सकते हैं डॉली खन्ना को भी बीट कर सकते हैं और आशीष आशीषिया को भी बीट भी कर सकते हैं बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी सीखना पड़ेगा चीजें समझनी पड़ेगी तब आपकी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट होगी तो यहाँ पर हम बात कर करें राकेश झुंझुवाला सर की तो आठ हजार तीन सौ छियासठ करोड़ की यहाँ पर वेल्थ थी आपको पता ही है इनकी मोस्टली वेल्थ जो क्रिएट

बट इनकी एक अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पर स्टडी करते हैं ट्रेडिंग करते हैं ओके और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से इन्होंने जिस तरीके से अः एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिए ओके तो उसमें अच्छा खासा इनका वेल्थ हुआ जैसे कि इन्होंने टाटा मोटर्स को यहाँ पर अच्छे प्राइस पर यहाँ पर खरीदा एक साथ लगभग बेहतरीन यहाँ पर इन्होंने पैसा डाला तीन सौ चार सौ परसेंट के यहाँ पर रिटर्न बने थोड़ी सी क्वांटिटी वहां से एग्जिट करी ओके इस तरीके से अलग अलग स्टॉक्स में ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करते रहते हैं स्टिल इनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे है यहाँ पर जंक भी है जो कि आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है बट स्टिल बहुत सारे यहाँ पर इनके पास ऐसी चीजें हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग करते रहते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग जैसे कि बात करता हूँ ना कि यहाँ पर टेक्निकल और

हैं तो जिस तरीके से 8355 करोड़ की वेल्थ यहाँ पर इनकी 28 30 हजार करोड़ की वेल्थ बनी है 33 34 हजार करोड़ की वेल्थ बनी है देखिए 14% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में भी है जो कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी लगभग 500 करोड़ रुपए इनके 52 3550 करोड़ रुपए इनके पोर्टफोलियो से गायब हुए बट स्टिल यहां पर देखी जाए तो यहां पर अच्छी खासी वेल्थ है और ये 28 करोड़ आने वाले टाइम में किस तरीके से 50,000 करोड़ बनते हुए नजर आएंगे वो वो कला इनके अंदर है सो वो कला सभी के अंदर है आपके अंदर भी है आशीष कचौलिया सर के अंदर भी है वो हम देख चुके हैं डॉली खन्ना सर के अंदर भी है जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस किया विजय केड़िया सर ने किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस किया और बार बार आके अपीरियंस देखे ये सभी लोग सभी में से मोस्टली विजय केडिया सर यहाँ पर अपीरियंस देखे बताते रहते हैं चीजें बताते रहते हैं रियल स्टोरी तो कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है हर किसी की वो कहीं ना कहीं छुपाई जाती है बट स्टिल Uh, थोड़ा बहुत भी क्ल्यू दे मिलता है तो लोग समझते हैं समझ के उसके बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं और एनालिस के बेसिस पे हम यहां पर चीजें समझ सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो हमने आ, अब हमने एंट्री यहां पर लिया है शायद सोलह परसेंट की हमें गिरावट है बट जब चीजें अगर हमारे पोर्टफोलियो में अच्छी रहेगी और जब ये चीजें भागना शुरू करेगी तो आने वाले दो साल तीन साल चार साल में शायद आप भी ऊपर रहेंगे तो बट याद रखिएगा जब अच्छा रिटर्न बन रहा हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना सीखिए और फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मिले तो यहाँ पर